News 18, India. राष्ट्रीय की समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रोत्साहित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में उठ चाहते हैं, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में उठ चाहते हैं, बाकी संख्या देते हैं, अच्छा अनुज्ञा दी जाए। आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का ऐसा उत्तराखंड विधानसभा में बिल को पेश कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल पेश किया है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया गया है और इस बिल पर देश भर की नजर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यूसीसी बिल को पेश किया गया। इससे पहले उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा का आज अंत हो रहा है, इसका लंबे समय से इंतजार था। बीजेपी के चुनाव विवाद में ये बिल शामिल था जिसे पटल पर रख दिया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है। यूसीसी बिल जिसे लेकर विरोध भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक ये क्षण क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड जहां पर इस बिल को पेश किया गया। और अगर चर्चा सार्थक रहती है, इसके बाद ये बिल कानून की शक्ल लेता है, अगर बिल को लागू किया जाता है तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य ऐसा होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। और चुनावी साल है, इसे भी याद रखिए कि 2024 आम चुनाव का साल, और इस चुनावी साल में इस बिल को पेश किया गया है। ऐसे में काफी अहम है, इसके कई मायने हैं। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पूरे देश की इस पर नजर भी है। और उत्तराखंड के बाद क्या देश के बाकी राज्य भी इसे अपनाएंगे? बीजेपी और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका जिक्र किया कि ये बिल सबको साथ लेकर चलने के लिए ही है, सबको समान अधिकार देने के लिए ही है, और इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, और उत्तराखंड के लिए आज का दिन काफी अहम है। देश भर की निगाहें आज उत्तराखंड के ऊपर, जहां यूसीसी बिल पर अब चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आरोप यही है कि इस ड्राफ्ट में क्या था ये हमें दिखाया नहीं गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, हमें कोई जानकारी नहीं है और जल्दबाजी में इसे पेश किया जा रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को पेश किया है।